हे ह्यूमंस, लुक एट दिस अर्थ, और ये है हमारी जन्मभूमि, और ये रहा हमारा प्यारा सा इंडिया, और बस बस बस, और इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स है, यानी कुल मिलाकर 29 राज्य है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इनमें से हर एक स्टेट्स की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस है और ट्रेडिशंस है और रिलीजन्स है, और इन 29 स्टेट्स के जो नाम है वो संस्कृत लैंग्वेज से लिए हुए है। और अब ये क्या है, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। इसे पहले के वक्त में ऋषि कश्यप के घाटी के नाम से जाना जाता था, और इसी कश्यप शब्द से कश्मीर का नाम आया है। और संस्कृति में का मतलब पानी होता है, और शिमीरा का मतलब ड्राइड यानी सूख जाना, यानी कश्मीरा इज इक्वल टू पानी का बर्फ बन जाना। और इसका जम्मू नाम यहाँ के रूलर राजा जम्बू लोचन नाम से लिया गया था, तो ये बन गया जम्मू एंड कश्मीर। और अब इसके नीचे आता है हिमाचल प्रदेश, इसके नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है, ये भी एक संस्कृत वर्ड है। हिम का मतलब होता है आइस यानी बर्फ, और आचल का मतलब होता है पहाड़, और आइस प्लस आचल इज इक्वल टू बर्फीला पहाड़ यानी हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं पंजाब। पंजाब एक इंडो ईरानियन वर्ड है, पंज का मतलब होता है पांच, और आब का मतलब होता है पानी, और पंजाब राज्य में पांच नदियां मौजूद है, और इसी वजह से इसे पंजाब कहते हैं। अब नीचे आना ही है तो हरियाणा पर आते हैं। हरी एंड आना ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसमें हरी का मतलब होता है विष्णु और आना का मतलब होता है आना, और महाभारत के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर विष्णु आए थे, इसीलिए इस जगह का नाम हरियाणा रखा हुआ है। अब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, और प्रदेश का मतलब होता है राज्य, यानी बन गया उत्तर प्रदेश। और ये है उत्तराखंड, ऑल्सो नोन एज उत्तरांचल। साल 2000 में उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, इसका मतलब होता है उत्तरी पहाड़, बट बाद में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, जिसका मतलब हुआ उत्तरी जगह। अब बढ़ते हैं राजा लोगों के राज्य में, यानी राजस्थान में। ये नाम संस्कृत शब्द से लिया हुआ है, और एंशियंट टाइम में इस राज्य को राजपूताना नाम से जाना जाता था, मतलब राजपूतों का शहर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राजस्थान। ए मोटावा, ये है जलेबी, फाफड़ा, ढोकला, ठेपला, डांडिया, यानी अब हम पहुंच गए थे गुजरात में, और ये वो जगह है जहाँ पर 7वीं और 8वीं शताब्दी में गुर्जर लोग इसे रूल करते थे, और उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम गुजरात आया है। अब मध्यम से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मध्य यानी मिडल, और प्रदेश यानी राज्य, और ये बन गया मध्य प्रदेश। अब ये है मराठा एम्पायर की जन्मभूमि का स्थान, यानी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र एक संस्कृत शब्द है, जिसमें महा का मतलब होता है महान, और राष्ट्र का मतलब होता है देश, एंड दैट मींस महान देश इज इक्वल टू महाराष्ट्र। नाउ लुक एट दिस साइड, दिस इज द गोवा, और गोवा का मतलब आज तक कोई भी नहीं जानता, बट संस्कृत में गो का मतलब होता है काउ यानी गाय। अब बिना नाटक करे चलते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक करू शब्द से आया हुआ है, और करू मींस स्काई स्क्रैपर यानी वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, और नाड का मतलब हुआ जगह यानी ऊंचे पहाड़ों वाली जगह, और बन गया ये कर्नाटका। अब तमिलनाडु का मतलब होता है तमिलों का घर। तमिल प्राचीन भारत की वो लैंग्वेज है जो आज भी जिंदा है। तमिल का मतलब होता है मीठा शरबत, और नाडु एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होमलैंड होता है, और ये बन गया तमिलनाडु। अब ये है केरला। केरला के नाम को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसका संस्कृत में मतलब होता है कनेक्टेड लैंड यानी जुड़ी हुई जगह, और इसलिए इसे केरला कहते हैं। और ये है तेलंगाना। ये राज्य अभी साल 2014 में फॉर्म हुआ था। तेलंगाना का नाम त्रिलिंग से आया हुआ है, और त्रिलिंग का मतलब होता है शिव के तीन लिंग, और इसीलिए इसे तेलंगाना कहते हैं। और इसके बाजू में है आंध्र प्रदेश, और आंध्र का मतलब होता है साउथ, और प्रदेश का मतलब होता है राज्य, और इसका पूरा नाम जुड़ा दिए तो बन गया आंध्र प्रदेश। और अब इसके पड़ोस में आता है छत्तीसगढ़, तो 36 का मतलब होता है 36, और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट यानी किला, और इस स्टेट में 36 फोर्ट है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ बोलते हैं। अब इसके बाजू में आता है ओडिशा। ओडिशा ये भी एक संस्कृत शब्द है, और इसका मतलब होता है ओडरा के लोग जो मध्य भारत में रहते हैं, इसलिए इसे ओडिशा कहते हैं। और अब यहाँ आते हैं, ये है झारखंड, और ये दो शब्दों को जुड़कर बना हुआ है। झार का मतलब होता है जंगल, क्योंकि यहाँ पर जंगल ही जंगल है, और खंड का मतलब होता है स्टेट, और इसीलिए इसे कहते हैं झारखंड। अब ससुरा बिहार की ओर चलते हैं। ये है हमारा बिहारवा।
ये एक पाली वर्ड बिहार से लिया हुआ है और इसका मतलब होता है कैंपिंग, और समय के साथ इसका नाम बिहार से बिहार हुआ। अब वेस्ट की तरफ आते हैं, यानी वेस्ट बंगाल में। बंगाल एक संस्कृत वर्ड वांगा से लिया हुआ है और हिंदी में वांगा को बंगाल कहते हैं। और साल 1905 में बंगाल के पार्टीशन के बाद बंगाल के आगे वेस्ट लग गया और तब से ये बन गया वेस्ट बंगाल। और अब इसके ऊपर आता है सिक्किम। सिक्किम नाम तिब्बतन लैंग्वेज लिम्बू से आया हुआ है। इसमें सु का मतलब होता है नया और खीम मीन्स बड़ी बिल्डिंग्स, एंड सू प्लस खीम इज इक्वल टू सिक्किम। और अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब होता है मॉर्निंग लाइट, एंड आचल मीन्स माउंटेन, और इसका पूरा मतलब बना मॉर्निंग लाइट्स माउंटेन इज इक्वल टू अरुणाचल प्रदेश। असम। असम नाम अहोम रूलर्स से आया हुआ है जिन्होंने 6th century में असम पर राज किया था और उन्हीं रूलर्स के नाम से बन गया ये असम। और अब आते हैं बादलों में, यानी मेघालय में, और इसमें मेघ का मतलब होता है बादल और अलय मीन्स घर, और बादल प्लस घर इज इक्वल टू बादलों वाला घर यानी मेघालय। और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा को बोरोक शब्द तुईपुरा से बना हुआ है। इसमें तुई मीन्स वाटर एंड पारा मीन्स क्लोज यानी नजदीक, और ये बन गया त्रिपुरा। और ये रहा मिजोरम। इसमें मी का मतलब हुआ लोग एंड जू मीन्स पहाड़, और ये बन गया मिजोरम यानी पहाड़ के लोग। और ये है नागालैंड। और नागालैंड शब्द बर्मा के नाका से आया हुआ है, और नाका मीन्स नागा होता है, और नागा मीन्स ऐसे लोग जो नाक और कान छिलवाते हैं। और अब सबसे लास्ट में ये है मणिपुर। नाम से ही पता चल गया कि सिटी ऑफ ज्वेल्स यानी मनियों का शहर मणिपुर। और आप कौन से स्टेट से हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब